बहराइच की पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले के द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर खुलेआम अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने को लेकर समर समाज के लोग आक्रोशित हो गए हैं और एसपी कार्यालय पहुंचकर सावित्रीबाई फुले के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए नारेबाजी भी किए। यही नहीं, सावित्रीबाई फुले की इस कृत्य से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले का पुतला भी फूंका। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों के सामने सावित्रीबाई फुले ने खुलकर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए तिरस्कार की भावना भड़काने का प्रयास किया, जिसको लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने भारी आक्रोश पनप गया है। सवर्ण समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। कई वर्षों से देखा जा रहा है जो सावित्रीबाई फुले आए दिन ब्राह्मण समाज को सवर्ण समाज को गाली देती है। आखिर क्या बिगाड़ा है ब्राह्मण समाज ने सावित्रीबाई फुले का? जैसा कि यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को अभी पता चला होगा कि कल की किसी मीटिंग में करके ब्राह्मण समाज को खुलेआम मंच से इन्होंने गाली दिया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। संगठन के तमाम पदाधिकारियों से ऊपर बात हो गई है और अगर जो सावित्रीबाई फुले की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा और लोग सड़कों पर उतरेंगे। ब्राह्मण समाज, समर समाज। बहराइच से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।